अंकल ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बचुआ, जरा हम चीज चैन को जोड़त रहे। वो हम कल जरा बहुते दूर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे। और रास्ते में ही चैनवा ससुरा टूट गया। ऐसे कैसे चैन तोड़ रहे हो आप? क्यों, क्या गलत है इसमें? ऐसे नट के ऊपर ये चैन रखो, उसके ऊपर ये गोली रखो और ये, अरे अंकल देखा आपने, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, वो का है? जरा हमका भी बतावा। अंकल मेरे पास एक टूल है जिससे चेन को बहुत आसानी से तोड़ा और लगाया जा सकता है। कहाँ है, दिखावा? रुकिए, अभी आया। ठीक है, लाओ जल्दी, हमहू देखिए वो का है। ये देखिए अंकल, ये टूल, इसे चेन टूल कहते हैं। अरे इससे तोड़ेंगे हम चेन? समझ गया हम, न्यू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अब हम इस चेन टूल को यूज करके देखेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इस चेन टूल का स्क्रू जो है वो सबसे पहले लूज कर लेंगे, ऐसे घुमाकर यहाँ जगह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चेन को चेन टूल पर अच्छी तरह से बिठा लेंगे। ये देखिए, ऐसे चेन को यहाँ इसमें बिठा लेंगे, ठीक है। अब हम स्क्रू को अंदर की तरफ घुमा कर ऐसे टाइट करेंगे। ये देखिए, ऐसे टाइट करते जाएंगे, ऐसे टाइट करते जाएंगे और ये जो पिन है वो अंदर चला जाएगा ऐसे। ये देखिए, ऐसे। उसके बाद हम स्क्रू को पीछे की तरफ फिर से घुमा लेंगे। ये देखिए हमारा चैन कैसे लग गया आसानी से। हाँ, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, पहले जहाँ हम नट के ऊपर चैन रख कर उसके ऊपर गोली रखते थे, ये गोली रखते थे और उसके बाद हथौड़ी से मारते थे गोली के ऊपर, तो कितनी बार गोली इस पर से छटक कर साइड में चली जाती है, फिर वापस गोली लाओ इसके ऊपर रखो या दूसरी गोली लाओ ढूंढो उसके ऊपर रखो, तो इसमें कितना समय जाता था। लेकिन अभी इस चेन टूल के इस्तेमाल से ना इस नट की ज़रूरत है, ना गोली की ज़रूरत है, ना हथौड़ी की ज़रूरत है। अभी सिर्फ आसानी से चेन को चेन टूल में बिठाइए और सिर्फ स्क्रू को घुमाते जाइए, पिन आसानी से बाहर आ जाता है और जब लगाना हो तो इसमें लगा कर उल्टे साइड से चेन को घुमा के या टूल को घुमा लीजिए उल्टे साइड से और स्क्रू को टाइट कर दीजिए, पिन अंदर चला जाता है और काफ़ी आसानी से चेन को हम चेन टूल की मदद से तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। और कहीं अगर सफ़र पर भी जाते हैं तो अगर इसको साथ में लिए रहेंगे, अगर चेन टूट गया तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। दोस्तों अब जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो इस चेन टूल को साथ में लेकर जाते हैं, साथ में लेकर जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।